अब देख ले भाई, सबसे पहले मैंने आप सबसे क्या कहा बेटा कि जो सवाल अब आप करने जा रहे हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लास्ट वीक भी हमने मीडियन का ही क्वेश्चन किया था, और मीडियन के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि डेटा या सवाल आपके पास डिस्क्रीट डेटा दिया है या कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो देखकर बताइए सबसे पहले, आप कैसे देखते हो कि डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूअस डेटा है? शाबाश, अभी कॉपी कोई ना करे, पूरे सवाल को एक दफा फिर समझें और फिर कॉपी करिए। जी बताइए, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? देखकर कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? अगर सवाल में क्लास बाउंड्री दी हुई हो तो डेटा कंटिन्यूअस है। कैसे पता? डेटा कंटिन्यू हो रहा है। देखिए आप, 10 20 20 के बाद कंटिन्यू कहां से हो रहा है? 20 से ही हो रहा है। फिर कहां जा रहा है? 30, और 30 के बाद फिर कहां जाएगा बेटा? फिर कहां जाएगा? 30 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब डेटा कंटिन्यूस है, यानी डेटा के अंदर ये क्लास बाउंड्री दी हुई है, ये क्लास बाउंड्री गिवन है, और हमें मीडियन को सॉल्व करने के लिए क्लास बाउंड्री की ही रिक्वायरमेंट होती है। क्लास बाउंड्री अगर ना होती तो हम पहले बाउंड्री बनाते हैं, देन आगे काम करते हैं। अब तो बाउंड्री बनी हुई है, उसका मतलब बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं। अब अगला कॉलम किसका बनता है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्यों बनाते हैं? क्योंकि मीडियन क्लास को देखना होता है, और मीडियन क्लास को देखने के लिए हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो अगला कॉलम बनेगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सी एफ, और सी एफ बनता किसकी मदद से है? एफ की मदद से। तो देखिए जरा, सी एफ का पहला नंबर 5 में ऐड कर दें 12, 5 + 12 कितने हो गए? 5 + 12 17, 17 + 15, 15 + 17 कितने हो गए आपके पास? ये हो गए 32, 32 + 20 20 हो गया 52, 52 + 10 62, 62 + 4 68, 68 + 2 70। ठीक है बेटा, ये आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, और आप जानते हैं जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम, ये सेव आना चाहिए। तो आप बताएगा, आप देख लेते हो 5 12 17 फिर 15 और 20, तमाम नंबर जो आए फिर उसके साथ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब सुन लीजिए गौर से बात। अब हमारा काम ये होता है कि फॉर्मूले के अंदर की बातें करें। फॉर्मूले के अंदर हमने सिंबल्स कौन कौन से देखे थे? एल प्लस एच अपॉन एफ, समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी, ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले के अंदर एल का कोई ना कोई मतलब था। जी बताइए, एल का मतलब क्या था, एच का मतलब क्या था, एफ का मतलब क्या है, कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी के सी का मतलब क्या है? तमाम बच्चे साथ साथ बताइए, एल का मतलब क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। इसी के साथ हाइट, एच का मतलब क्या है? हाइट या साइज, दोनों एक ही मतलब है। हाइट ऑफ क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और सी का मतलब है प्रीसीडिंग 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 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके मतलब क्या थे भाई? सबसे पहली बात, क्लास बाउंड्री, हर जगह क्लास बाउंड्री कह रहे हैं, और सवाल एक ऐसा सवाल है जहां क्लास बाउंड्री बनी हुई है। लेकिन लास्ट वीक जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहां क्लास बाउंड्री बनाई थी, और बनाने का तरीका क्या था वो आप सबको मालूम है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें एक और नया वर्ड है, वो है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पोजीशन निकालने के लिए, समीशन एफ अपॉन 2। इससे छोटे से फॉर्मूले से आप मीडियन क्लास को हाईलाइट कर लेंगे। तो समीशन एफ कितना निकला है? 70, 70 डिवाइडेड बाय 2। एक पोजीशन आएगी बेटा आपके पास, वो पोजीशन क्या है आपके पास? 35। अब बताओ 35 आना कहां चाहिए? यहां लास्ट नंबर 32 है, देखो यहां 5 17 32, 35 यहां तो नहीं आएगा, 35 अगले नंबर पर आएगा, और 52 पर आ रहा है। तो हमारी मीडियम क्लास हाईलाइट हो गई जो 52।
52 वाली मीडियन क्लास हाईलाइट हुई। तो अब बकायदा आप बोलेंगे 35th लाइव आ क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री कौन सी है 42, 50, 50 इसमें लाए करता है। तो अब आइए तमाम वैल्यूज निकालनी है, तमाम वैल्यूज में लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, क्लास बाउंड्री पहले मीडियम क्लास पे आओ, मीडियम क्लास ये रहा, इसमें क्लास बाउंड्री कौन सा है ये रहा, मीडियम क्लास, क्लास बाउंड्री और क्लास बाउंड्री में लोअर वैल्यू। मैंने कहा था रिवर्स आते हमेशा, मीडियम क्लास, क्लास बाउंड्री और लोअर वैल्यू, मीडियम क्लास, क्लास बाउंड्री और लोअर वैल्यू आपका हुआ बेटा 40, एल आपका कितना हुआ 40, ठीक है। अब आओ हाइट, हाइट ऑफ क्लास बाउंड्री मीडियम क्लास, यानी मीडियम क्लास पर आओ पहले, सही है, उसकी क्लास बाउंड्री पर आओ। अब उसका डिफरेंस देखो, 50 और 40 में 10 का डिफरेंस है, हाइट हो गया बेटा आपका 10, हाइट आपका कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास कैसे आएगा, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है। और प्रीसीडिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा, मीडियम क्लास का ये रहा, लेकिन प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला वाला, और पिछला वाला कितना है 32। अब आइए जल्दी से हम इसकी तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले के अंदर बेटा हम इसको पुट करने वाले हैं, सबसे पहले एल की वैल्यू आएगी जो कि क्या है 40 है, प्लस एच की वैल्यू 10 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 है, समीशन एफ आपके पास 70 है, समीशन एफ बोलो या इसका सम बोलो बात एक ही है, डिवाइडेड बाय 2, माइनस सी, सी क्या है आपके पास 32, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम जब इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना भाई आपके पास, 70 डिवाइडेड बाय 2 35 माइनस 32 जी, 35 माइनस 32 आया 3। अभी पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये इतना ही लिखते रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 3 आ गया, 3 टेन का 30, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 बना, 30 को 2 से डिवाइड करिए, शाबाश, 30 को 2 से डिवाइड करिए क्या बनता है आपके पास, 3 करेक्ट करें सब, इसका जो टोटल निकल रहा है 62 में 4 प्लस करेंगे 66 आएगा और उसके बाद 2 ऐड करेंगे 68 आएगा, टोटल आपका 68 है, 68 को जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरा आएगा 34, तो 34 भी बेटा देख ले जरा और से, 34 भी 52 पर ही लाए करेगा, तो पूरा आगे का सॉल्यूशन ऐसे ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बट ये है कि इसमें सॉल्यूशन ये 30 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया बेटा आपके पास, 30 डिवाइड बाय 20 1.5 आया, यस। तो बेटा 40 में 1.5 ऐड कर ले, यहां लिख रहा हूं 40 प्लस 1.5 क्या आंसर बनता है आपका 41.5, तो मीडियन का आंसर क्या बना, यहां लिख रहा हूं बेटा मीडियन का आंसर बना 41.5, ये आपका फाइनल आंसर रहा, ठीक है 41.5। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, 70 नहीं होगा बेटा, टोटल जो है वो 68 है, यहां मिस प्रिंटिंग थी, 62 प्लस 4 हो गया 66, 66 प्लस 2 हो गया 68, तो आपका टोटल जो है बेटा वो टोटल बचा 68, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी भाई, इसको चेंज करते थे आप जरा देख लें दोबारा से, यस ठीक है बेटा, मीडियन 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 20 ये आपके पास 68 डिवाइडेड बाय 2 है, 68 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 34 में से 2 चले गए, 2 बचा, 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 20 ये बचा 2 10 का 20 हो गया, एक और भी आसान आंसर आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया भाई 1, 20 डिवाइड बाय 20 कितना होता है 1, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, तो डायरेक्टली 41 आपका आंसर हो गया बेटा, 41 आपका आंसर है। और चेक करने का तरीका क्या है 41 का, 41 का आंसर आ रहा है
देखो हाईएस्ट क्लास की क्लास बाउंड्री में आंसर आ रहा है 40 और 50 के बीच में, यानी बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है बेटा, 41 आ रहा है तो ये करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन का फर्क बताइए। इस सवाल में सबसे पहली चीज ये इंटरवल है, डेटा जो है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। 10.0 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 10.5, मतलब दोनों में 0.5 का फर्क आ रहा है। इसी तरह 15.0 के बाद 15.5 का सब में फर्क आ रहा है, तो ये डिस्क्रीट डेटा, इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है। तो पहला कॉलम किसका बनना चाहिए? क्लास बाउंड्री का, और फिर क्या बनना चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कॉलम तो पता चल गया है कि पहला कॉलम क्लास बाउंड्री का बनना चाहिए और दूसरा कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनना चाहिए, क्योंकि सवाल में अगर क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अब बाउंड्री बनाते किस तरीके? लोअर क्लास में हमने ये सीखा था 0.5 माइनस कर रहे थे और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर रहे थे, तो क्या अभी भी यही करेंगे? जल्दी से बताइए, शाबाश, क्या अभी भी ये करेंगे कि 0.5 लोअर क्लास में माइनस होगा और अपर क्लास में ऐड होगा? जल्दी से बताइए, क्या अभी भी क्लास बाउंड्री बनाते वक्त यही काम किया जाएगा? वेरी गुड नयालिश, वेरी गुड। और कौन है? शाबाश, देखे अभी 0.5 आया कब था और कैसे आया था, अब उसकी बात करें। 0.5 कैसे आया था? जब मेरे पास एक नंबर 25 से 26 लिखा हुआ है और नीचे 27 से 29 लिखा हुआ है, तो बेटा मैंने देखा था इनके दरमियान का फासला कितने नंबर का था? इनके दरमियान का फासला था 1 का। इनके दरमियान का फासला क्या है? 1 का। उस 1 को किससे डिवाइड किया था हमने? 2 से, तो आया था 0.5। अब जरा देखें, 0.5 अगर हमने जज्बाती में कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए अब डिफरेंस 1 का नहीं है, अब डिफरेंस भी पॉइंट्स का है। तो उठाइए कैलकुलेटर, 10.5 में से 10.0 को माइनस कर दें बनेगा 0.5, फिर उसे डिवाइडेड बाय 2 करिए, आएगा 0.25। अब हमें यह बात पता चल गई कि लोअर क्लास में 0.25 माइनस होगा, अपर क्लास में 0.25 प्लस होगा। तो जब हम 5.5 में माइनस प्लस माइनस करेंगे 0.25, तो ये बन जाएगा बेटा 5.25। देखो मैंने क्या किया, दोबारा बताइए मैंने क्या किया। मैंने 10.0 में से 10.5 में से 10.0 को माइनस किया, आया 0.5। जो भी आंसर आया उसे 2 से डिवाइड किया तो आंसर बना 0.25। 0.25 लोअर क्लास में माइनस होगा, अपर क्लास में ऐड होगा। जब अपर क्लास में ऐड होगा ये बन जाएगा 10.25, इसमें माइनस होगा तो 10.25, इसमें ऐड होगा तो 15.25, इसमें माइनस होगा तो 15.25, इसमें ऐड होगा तो 20.25, 20.25 और बन गया 25.25, 25.25 बन गया 30.25, इसमें लेस कर रहे हैं और इसमें प्लस कर रहे हैं, तो क्या हो गया 30.25 बन गया 35.25 माइनस 40.25। अब बन गई क्लास बाउंड्री। 4.5 कहां से आ गया भाई? मैंने क्या बात बोली है आपको बेटा कि आपका डिफरेंस 0.5 है, उसे 2 से डिवाइड किया, 0.25 आ गया। पहले डिफरेंस 1 का आ रहा था, अब डिफरेंस खुद पॉइंट्स में, तो उस पॉइंट्स को भी 2 से डिवाइड। ये क्लास बाउंड्री बन गई। अब अगला कॉलम किसका बनाएंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। पहला नंबर 6 ऐसी आ गया, 6 में 14 ऐड कर दें कितने बन गए? 6 प्लस 14 हो गए 20, 20 प्लस 20 हो गए 40, 40 प्लस 25 हो गया 65, 65 प्लस 18 कितना हुआ बेटा? 83 प्लस 10 93 प्लस 700, तो बेटा 100 आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो समीशन एफ भी कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। ठीक है, अच्छा
सही है, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आ गया। क्या पिछला सवाल आप सबने लिया था बेटा, पिछला क्वेश्चन लास्ट वीक जो हुआ था, क्या आप सबने लिया था, क्या पिछली क्लास आप सबने ली थी बेटा? क्या उसमें मैंने क्लास बाउंड्री का तरीका आपको समझाया था? क्लास बाउंड्री का तरीका क्या था जी, याद करें, 0.5 हम लेस कर रहे थे, 0.5 हम ऐड कर रहे थे। इस सवाल के अकॉर्डिंग हम 0.5 को ऐड और लेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने देखा कि 0.5 वहां पर कैसे आया था, तो मैंने बताया वहां एक नंबर का फासला था, 26 और 27 एक नंबर का फासला था, तो जो 1 था उसको हमने 2 से डिवाइड किया था, तो आंसर आया था 0.5 आया था। वहां 1 आने के बाद हमने 2 से डिवाइड किया, लेकिन यहां डिफरेंस 1 का नहीं है, यहां डिफरेंस 0.5 का है, यहां डिफरेंस 0.5 का है, 0.5 को 2 से डिवाइड। तो बेटा मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज में के लिए तरीका बताया है, टेक्निक बताई है, जुगाड़ नहीं बताया कि 0.5 माइनस और प्लस करो। जिस दिन इस तरह पॉइंट्स में सवाल आ गया उस दिन तमाम बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता कि भाई अगर पॉइंट में सवाल आता है, अगर पॉइंट में सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। भाई आप लोअर अपर को माइनस कर दें, 10.5 माइनस 10.0 तो क्या बना 0.5, 0.5 को 2 से डिवाइड किया क्या बना 0.25। अब ये वो नंबर है जो लोअर में माइनस होगा अपर में प्लस होगा, लोअर में माइनस अपर में प्लस, तो लोअर में माइनस हो गया और अपर में प्लस हो गया, तो तमाम क्लास बाउंड्रीज आ गई। देखिए लोअर क्लास में माइनस, अपर क्लास में प्लस, ये क्लास बाउंड्री बन गई और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? पहला नंबर 6 में 14 20 हो गया, 20 में 20 प्लस हो गया 40, 40 में 25 65, 65 18, 83, 83 10 93 और फिर 100। तो जो आखिरी नंबर्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है वही समीशन है 100 है। ठीक है, अब यहां तक की बात सबको क्लियर है? ठीक है बेटा सबको। अब जरा देखिए, हम अब मीडियम क्लास को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? मीडियम क्लास। मीडियम क्लास का फॉर्मूला है समीशन एफ अपॉन टू, पोजीशन आएगी भाई समीशन एफ अपॉन टू। समीशन एफ कितना है? 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 50। अब 50 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 50 पोजीशन कहां आनी चाहिए? सीएफ में ढूंढो, सीएफ में 40 है, 40 के बाद 65 है, तो 50 को कहां आना चाहिए? 65। तो आपका मीडियम क्लास बेटा ये हो गया, आपकी मीडियम क्लास 65 वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? 50 लाइज क्लास बाउंड्री 20.25 से लेकर 25.25। मतलब आपकी 50 किस क्लास बाउंड्री पे लाई करती है? 20.25 से लेकर 25.25। ये तो हो गया मीडियन क्लास। अब आ जाओ फॉर्मूले में। तो मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ अपॉन टू माइनस सी। तो एल पर आइए, लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास ये रही, उसकी क्लास बाउंड्री ये रही। देखो क्लास बाउंड्री ये नहीं, ये इंटरवेल है, क्लास बाउंड्री ये है, और इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है? 20.25। तो हमने L की जगह क्या लिख दिया? 20.25 प्लस H कितना है, इन दोनों में कितने का फासला है? माइनस कर लो भाई जल्दी से, 25.25 माइनस 20.25 आंसर आया 5। हाइट किसको कहते हैं? इन्हीं के दरमियान का फासला, इन दोनों को माइनस कर दो, हाइट आ गया 5। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है? 25। समीशन f कितना है? समीशन f 100 है, जो n है वही समीशन f 100 डिवाइडेड बाय 2। और c क्या होता है भाई? प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 65 का ऊपर वाला प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है? 40। शाबाश बेटा, अब देखते जाए 20.25। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये आया 50 आपके पास, क्या आया? 50। 50 माइनस 40 कितना हुआ? 10। 50 माइनस 40 कितना हुआ? 10। अच्छा इसको फिर यहां तक रखिए, 50 माइनस 40 हुआ 10। 10 को 50 से डिवाइड कर दीजिए,
10 को 50 से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 25. 50 को 25 से डिवाइड करें, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे 2 आया, 20.25 प्लस 2, इसको ऐड करें 22.25, ये मीडियन निकला है आपका 22.25. और आंसर अगर चेक भी करें तो मीडियम क्लास के अंदर आ रहा है आंसर, देखें 20.25 और 25.25 के बीच में आता है 22.25, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये देखें इस सवाल में